Hello friends, today we will discuss about the very interesting topic, business law. So somebody has requested me, please make a video for business law. तो जो ये बैच जो लिया है सेमेस्टर थर्ड में बिजनेस इकोनॉमिक्स है, तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो जो ये टॉपिक है मैक्सिमम आपको एग्जाम में 32 मार्क्स आता है. आप नवंबर 2017 का पेपर देखेंगे तो उसमें 32 मार्क्स है. इसमें पूछा था, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत से स्टूडेंट लोग इसको स्किप कर लेते हैं, बट इसको स्किप करना नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट में क्यों एप्लीकेबल है, इसमें क्या क्या कंडीशन थे, क्यों लाया गया फैक्ट्री एक्ट. तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि फैक्ट्री एक्ट जो ना 1948 क्यों लाया गया, क्योंकि इसका मकसद क्या था कि 1948 के पहले क्या होता था, जो वर्कर जो एम्प्लॉय को ना जो प्रॉपर रेमुनरेशन जो मिलता था, प्रॉपर कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी इसको नहीं मिलता था. उनको जो काम कर देता था अभी कैसा पार्ट टाइम जो होगा टाइम पूरा टेन टाइम है सब जो टाइमिंग है, बट ऐसा 1948 पहले टाइम नहीं मिला था. तो सर कभी भी आप 10 हार्स के लिए काम कर रहे हो, आपको कुछ इतना रेमुनरेशन नहीं मिलता था, इंसेंटिव नहीं मिलता था, डेनेस अलाउंस नहीं मिलता था, बट ऐसा था. बट ये सब देख के जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पार्लियामेंट में यहाँ एक्ट पास किया, जहाँ वो जो एक्ट का नाम है कि द फैक्ट्री एक्ट 1948. तो जो एक्ट लाने का मकसद था कि देखिए कि मैंने लिखा है बोर्ड पे कि व्हाई फैक्ट्री वॉज इम्प्लीमेंट, क्यों फैक्ट्री लाया गया. क्योंकि क्या होता था कि पहले आपको क्या होता था कि टू प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑरियंटेशन, उनको बहुत बराबर काम प्रॉपर नहीं करते थे, उनको एक्सप्लोर करते थे. ऑरियंटेशन मतलब कि उनको भारत बता रहे थे, बहुत बता रहा था कि हम प्रॉपर काम जो कर रहे वो प्रॉपर काम उनको मिलता नहीं था, कुछ ज़्यादा बांधा देते थे. हमको ये काम कर रहे तो हमको ये काम करने को देते, हमको प्रॉपर रेमुनरेशन नहीं मिलता था, हमको डेनेस अलाउंस नहीं मिलता था, ऐसा होता था. क्योंकि लाने का मकसद है कि प्रॉपर कंडीशन नहीं था. अब ऐसा नहीं सिस्टम नहीं, क्योंकि फैक्ट्री वो 1948 स्टार्ट हुआ, उसके बाद लोगों को प्रोवाइड रेमुनरेशन था, प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलता था. बट 48 के बाद क्या हुआ, जब इम्प्लीमेंट हुआ तो इसमें हम लोग रेमुनरेशन प्रॉपर कंडीशन मिल गया, और उन लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, एजुकेशन फैसिलिटी मिलता है, तो उन लोगों को ये करके मिलने लगा. ये मकसद था कि क्यों लेके आया गया, करेक्ट है. आपको समझा होगा कि जो एम्प्लॉय की हर चीज़ देख के ये सब पूरा लेके आ गया, ठीक है. अब देखिए फैक्ट्री वो थी, फैक्ट्री क्या होता है. तो देखिए फैक्ट्री क्या है कि फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयरफॉर. फैक्ट्री क्या होता है, एनी प्रीमाइसेस कोई भी एरिया, कहीं का कहीं भी बिल्डिंग कुछ भी बोल सके प्रीमाइसेस, और इंक्लूडिंग प्रेजेंस. प्रेजेंस मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर फॉर एग्जाम्पल आपका एक एरिया है, एक लिमिटेड एरिया है, तो आप इसको बोलते हैं प्रेजेंस. ये भी एक इंक्लूडिंग हो जाता है फैक्ट्री एक्ट में आ सकता है कि इसमें होगा कि प्रेजेंस मतलब क्या होता है. प्रेजेंस मतलब आपका फैक्ट्री, फैक्ट्री के जो बाहर का लिमिटेड एरिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंस बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट. और जो सेक्शन है सेक्शन टू, सब सेक्शन एम, करेक्ट. फैक्ट्री का सेक्शन टू है और सब सेक्शन एम है. तो बहुत तो स्टूडेंट लोग नहीं लिखते, बट ये लिखना कंपलसरी है, क्योंकि अच्छा है आपका इंप्रेशन आउट होता है कि हाँ कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, करेक्ट. आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा कि कौन सी फैक्ट्री इंक्लूडिंग है प्रीमाइसेस में प्रेजेंस देयरफॉर. अब देखिए कि अब फैक्ट्री एक्ट तो एंट्री के लोग हैं, बट अब क्या क्या कैसे कंडीशन में फैक्ट्री एक्ट में पॉसिबल होगा. अब यह कि एप्लीकेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये कैसे कैसे एप्लीकेबल होगा मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन में. तो देखिए लिखे कि 10 वर्कर और मोर वर्कर विथ एक्ट टू पावर, 10 वर्कर और ज़्यादा 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं विथ एक्ट टू पावर, वो भी कब, प्रिसीडिंग 12 मंथ, पूरे 1 ईयर में कभी भी एक दिन ऐसा हो जहाँ पे 10 से ज़्यादा वर्कर काम करें, किससे काम करें, विथ एक्ट टू पावर. कोई भी एक डे हो हम उस वो आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक्ट में, फैक्ट्री एक्ट में ऐसा बोला है. और सेकेंड कंडीशन का ही फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन है 20 वर्कर और मोर वर्कर विदाउट एक्ट टू पावर. इसमें इलेक्ट्रिसिटी विथ आउट एट ऑल मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करना. तो 20 और मोर वर्कर विदाउट एट टू पावर में नहीं यूज़ करेंगे तो या तो आपका फैक्ट्री एक्ट में आ जाएगा. ये नहीं, कोई भी एक ईयर में, कोई भी एक साल में आपको एक दिन आप ऐसा कर रहे हो तो आप ये फैक्ट्री एक्ट में आ जाएगा, करेक्ट है. कि 10 वर्कर 20 वर्कर ये दोनों की एप्लीकेबल कैसे होगा, करेक्ट है. अब बेसिकली जैसा कि आपका जो ये 15 मार्क का कम से कम एग्जाम में आते हैं, तो आपको एक मीनिंग लिखना पड़ेगा, मीनिंग और उसको दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, कम से कम आपको 3-4 मार्क्स इसमें मिलेगा, करेक्ट. और क्यों आया गया आप इसमें लिखोगे, इस पर भी पॉइंट बनाओगे, तो मिनिमम आपको 7-8 मार्क्स में मिले थे.
बट आपका आधा मार्क्स ना भी जाएगा। ये एक केस फ्लो है, केस फ्लो के सारे केस फ्लो में डिफाइन किया गया है कि एक में कैसे लिखा हमें आर्डिनेंस एज द भिवंडी वाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इसमें क्या हुआ था, एक केस फ्लो में सोल के बारे में बताया थे कि स्टेट ऑफ बॉम्बे क्या बोलते हैं कि सोल कैसा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होगा। क्योंकि अभी फॉर एग्जाम्पल कोई बोल सकता है कि हम लोग सी के जरिए हम लोग इसका वो करते हैं, हम लोग सोल बनाते हैं, बट ऐसा क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि सोल में क्या होता है कि हम उसको पहले ऑयलिंग करते हैं, हम उसको पहले पंपिंग, उसको वेरीफाई करते हैं प्रॉपर कंडीशन, उसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, उसको पूरा क्लीन करते हैं, साफ करते, उसको पैकिंग करते हैं। तो कैसे एक एक प्रोसेस को हम लोग इंक्लूडिंग करेंगे ना इसमें सॉल्ट में, तभी तक मैन्युफैक्चर प्रोसेस हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आप बोल सकते हो कि सी से हम लोग डायरेक्टली सॉल्ट निकाले और हम लोग डायरेक्ट सेल करते, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट डिफरेंट टाइप भी आपको सॉल्ट में आते हैं, 5 रुपीज़ के आते हैं, 20 रुपीज़ के आते हैं। तो एग्जाम में बोल ये फैक्ट्री एक्ट में एप्लीकेबल होगा, ये आई एफ फैक्ट्री एक्ट में, करेक्ट। अभी ये एक और केस लो है, जर्मनी स्टूडियो वर्सेस स्टेट ने क्या बोला था कि आप कोई फिल्म बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्म बनाते हो, तो फिल्म क्या होता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कैसे डिफाइन करेगा, क्यों नहीं करेगा सर, क्योंकि ऐसा कि आप फिल्म को भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो, तो एक एक पार्ट में आप डिवाइड करते हो ना, आपका शूटिंग कभी इधर शूटिंग हुआ, कभी आप सी की इधर शूटिंग कर रहे हो, कभी आप अलग अलग प्लेस पर शूटिंग कर रहे हो, तो आप उसको मर्ज करके बनाते हो। तो एक एक प्रोसेस को आप मर्ज करो तो आप मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में आएगा नहीं आएगा ना। तो उसने यही बोला कि आप दो मटेरियल से सिनेमा और बना रहे हो और फिनिश प्रोडक्ट को कर रहे हो, ये एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हुई क्या नहीं, करेक्ट ना, हुई ना। तो इसलिए जो केस लो में आपको कंपल्सरी देखना है, और चाहे कि इससे इंप्रेशन आपका आंसर जो बोलता है थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा और आपका 50 मार्क्स कवर हो जाएगा। 50 मार्क्स तो आते हैं, मैक्सिमम 4 पेज आपको लिखना पड़ेगा 50 मार्क्स के लिए। तो भी सिंपल आपको ऐसा कुछ इसमें डाउट्स है, ऐसा कुछ क्वेरीज है, तो जस्ट ऐड योर कमेंट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरा वीडियो आपको पसंद है तो आप लाइक कीजिए और शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रेंड्स।